मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र एक बार फिर बॉलीवुड को लेकर नाराज हैं। इस बार उनका निशाना है फिल्म पठान की लीड कास्ट यानी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर। नरोत्तम मिश्रा फिल्मों पर अक्सर पैनी नजर रखते हैं। भारतीय संस्कृति को लेकर फिल्मों में कोई भी विवाद पर वो टिप्पणी करने का मौका नहीं छोड़ते। इस साल एक दो नहीं बल्कि कई मौके ऐसे आए जब फिल्मों में दर्शाए गीतों और सेलिब्रिटीज ने अपने बयानों से नरोत्तम मिश्रा को खफा किया है। फिल्म अभिनेताओं पर दिए बयान लेकर वो विपक्ष के निशाने पर भी रहते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के मध्य प्रदेश में प्रदर्शन पर रोक लगाने की जो है उन्होंने बात कही है। उन्होंने फिल्म के गीत बेशर्म रंग पर आपत्ति जताते हुए कुछ दृश्य हटाने को कहा। उन्होंने कहा कि इस गाने में एक्ट्रेस की वेशभूषा बेहद आपत्तिजनक है। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए ये विचारणीय प्रश्न हो।